हल्द्वानी से दिल्ली आ रहा था। रामपुर रोड पर तीन बंदर सड़क पार कर रहे थे, तो आगे निकल गए। एक बंदर मेरी गाड़ी से टकराकर तड़पता हुआ सड़क के किनारे जा गिरा। उसको इस हालत में देखकर मेरा जी भर आया। ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा ताकि मैं इसको मरहम पट्टी कर सकूं। परंतु ड्राइवर बोला, यहाँ रुकिए मत, सारे बंदर गुस्से में हैं, हम पर हमला कर सकते हैं। दुखी होकर आगे निकल आया। आज भी जब मैं उस सड़क से गुजरता हूँ तो उस घायल बंदर का वह तड़पता दृश्य मेरी आंखें नम कर देता है। बंदरों को कुछ चने और मूंगफली डालते हुए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे बंदर हत्या के पाप से मुक्त कर देना। मैंने जानबूझकर ये जघन्य पाप नहीं किया, यह अनजाने में हो गया है। उसकी आत्मा को शांति प्रदान करना। रास्ते भर सोचता रहा, इंसान भी कितना निष्ठुर हो गया है। जंगल सिमटते जा रहे हैं। उसने जंगली जानवर के घरों को तहस नहस कर वहां जबरन कब्जा कर लिया है तथा अपने घर तथा खेत बना डाले हैं। फलों के हरे भरे जिन पर लगे फलों से जंगली जानवर अपना पेट भरते थे, वे काट दिए गए हैं। यानी मानव ने जंगली जानवरों के जिंदा रहने के हक को भी छीन लिया है।